वही गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के डायरेक्टर ने दावा किया है कि हॉस्पिटल की हालत बेहद खराब है। हॉस्पिटल एक बड़ी जेल और कब्रगाह बन चुका है। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो क्या इस बयान में कहा गया है और किस तरह की दिक्कतों का जिक्र है? तो देखिए, भोजन, पानी, बिजली ये सब खत्म है। अल शिफा हॉस्पिटल में इसकी भयंकर कमी है। 3 दिन से अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। हर गुजरते मिनट के साथ एक मौत हो रही है और 3 दिन में अभी तक 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक ही रात में 22 मरीजों की मौत हुई है। सभी मरीज आईसीयू में एडमिट थे और अस्पताल में 7,000 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में शवों का अंबार लग गया है। शवों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने यह भी कहा है कि इजरायली सेना की एंट्री के बाद अस्पताल में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इजरायली सेना से अस्पताल परिसर खाली करने की अपील की है। साथ ही यह भी दावा किया है कि इजरायली सेना को अस्पताल में तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। तो हालात बहुत ही बुरे हैं। हमारे साथ राजीव सरदाना सर, ऐसे अस्पतालों के जिस तरीके से आईडीएफ वीडियो जारी कर रहा है उससे तो ये बात बहुत ही क्लियर हो गई है कि हमास ने अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना इस वक्त अस्पतालों को ही बना रखा है। उन अस्पतालों में जहां पर मरीजों को ढंग से इलाज तक नहीं मिल पा रहा है वहां पर हमास के हथियार रखे हुए हैं। देखिए, हमास इन अस्पतालों, स्कूलों को एक कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ये सोच के कि अगर ह्यूमन शील्ड्स होंगे तो इजराइल यहाँ पे हमला नहीं करेगा। इसराइल का काफ़ी रिस्ट्रेंट, आईडीएफ का काफ़ी रिस्ट्रेंट हमला रहा है। वो उन्होंने अपने जो उन्होंने हथियार पकड़े हैं, डोर टू डोर सर्च की है, तो बहुत ही हाथ बांध कर मेरे हिसाब से आईडीएफ इन अस्पतालों में गया है। लेकिन हमस की तरफ से ना उनको जो बाकी जो सिविलियंस हैं उनकी परवाह है, ना अस्पताल वालों की परवाह है। वहाँ नीचे सुरंगें भी पकड़ी गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने ये जगहें इस्तेमाल की हैं, तो इनके ऊपर इस समय कार्रवाई करनी आवश्यक है आईडीएफ की तरफ से।